हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सेकंड डे इन गोवा और फिर से आ गए हम बीच पे बॉलिंग आउट पर। भाई अरे वो देखो, जरा लड़ाई झगड़े चल रहे, पटकिया मार रहे। भाई देखो क्या खतरनाक हो रखा है, क्राउड भी अच्छा खासा हो रहा है अगस्त में। देखो वाटर स्पोर्ट्स के लिए हम जा नहीं पाए क्योंकि भाई देखो अभी सीजन चल रहा है, अभी हाई टाइड्स हैं, सारे सामने दिख रहा है आपको, कल भी दिखाया था मैंने। हाई टाइड्स की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स सब बंद हैं, डॉल्फिन वॉल्फिन वाला सब मैटर बंद है, ऊपर पैराग्लाइडिंग वगैरह सब ऑफ है। तो जो हम मजे ले सकते हैं वो यही है, रात को जैसे दिखाया था आपको मैंने, क्लबिंग का, और पियो खाओ, क्लबिंग करो, काजू वाजू खाओ, और ये हाई टाइड्स का मजा फुल ले सकते हो। जैसे देखो सब ले रहे हैं अलग ही, ठीक है, बच के रहना, सेफ रहना, पर मजे ले। भाई वेव्स ऐसी भयंकर आ रही है ना पीछे, वो देखो कैसे चलती जा रही हैं, वो देखो लास्ट में बिल्कुल एकदम लहर ऐसे है, ऐसे फुल जबरदस्त तरीके से, वो देखो बहुत भयंकर है। तो हम कुछ अलग करें, कपड़ा फेंक दिया किसी ने शर्ट और वही फेंक दिया अपनी, तो अब कुछ अलग करेंगे, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी आज हमें काजू वाजू भी खरीदने हैं, पैनी भी खरीदनी है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी थोड़ा एंजॉय करते हैं, मौसम बढ़िया है, हवा चल रही है और लहरें आ रही हैं, मजेदार है। क्या होता है बाद में सबको पता चले, मेरे को चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। वो भी खड़ी पार्टी दो तीन, ये तो मान ही नहीं रहे, अभी उठा लेंगे वो भाई साहब, वो फोटो ही रह जाएगा दोस्त के पास, आप नहीं क्या करोगे उसका। फोटो रह जाएगी सिर्फ इन मैकडी और रैप और कोल्ड कॉफी खा रहे हैं। भाई बैटरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि बीच पे घूम घूम के धूप में और खड़े हो के बैटरी हो चुकी है बिल्कुल लो। तो भाई अब आए हैं, थोड़ा कुछ खा लें, लंच का टाइम हो चुका है, बातें बताऊंगा आपको एक से एक जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा जो लोकल लोग हैं उनसे मिली है, और आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में जो कि आपके बहुत काम आने वाली है जब भी आप वो हैं, स्पेशली यंगस्टर, ठीक है। तो वो आप देखो और उस चीज़ से समझो, सारी चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ, अभी फ्री हो जाऊँगा अच्छी तरीके से और बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ मैकडी के बाद सीधे जाएंगे अपने रूम पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और साथ में काजू वाजू और फैनी वगैरह जो होती है यहाँ की स्पेशल चीज़ वो खरीदेंगे, ठीक है। अभी भाई स्कूटी पे हैं और मापसा जा रहा हूँ काजू और फैनी ले लें। मैंने बहुत से लोकलों से पूछा कि काजू और फैनी कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने यही बताया कि मापसा में मिलेगी, तो वहीं जा रहे हैं। फ़ोन तो मेरा ख़राब हो चुका है तो इसलिए रास्ता ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो अपने साथ में बिंकू भैया थे उनको मैंने रूम पे छोड़ दिया है, उनको सोना था, मैंने कहा आप सो मैं निकलता हूँ थोड़ा सा काम पे अपने। तो अब लोगों से रास्ता पूछ के मापसा पूछ रहे हैं, मापसा में काजू लेंगे हम, ठीक है। वहाँ मेरे को लोकल ने बताया कि बेस्ट काजू मिल जाते हैं और फैनी भी अच्छी मिल जाएगी। ओके जी चलो वहीं चलते हैं। लोकल गोवा में घूम रहा हूँ भाई, अब मैं जैसे मापसा जा रहा था, मापूसा करके लिखा रहता है वो मापसा, बहुत सुंदर यार अंदर से गोवा, बहुत क्लीन रोड्स हैं और ग्रीनरी देखो कितनी चारों तरफ ग्रीन, और बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड, गोवा नंबर GA, वाह यार। यहाँ मतलब वो जो टूरिस्ट वाला जो एरिया है ना वो गोवा का बेकार है, मैं समझ गया, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो पहाड़ी पे भी पता नहीं कौन सी जगह है, पूछता हूँ फिर बताता हूँ। मापसा भी आने वाला हमारा और वहाँ पे मार्केट अपने आप दिख जाएगा, साथ में जो वो दिख रहा है ऊपर थोड़ा पहाड़ पे, तो वो कोली बताया आंटी ने, कोई कोली जगह है वहाँ, साईं बाबा का मंदिर ही बताने हैं, और बहुत ही यार ज़बरदस्त लग रहा है कोली। ये देखो एक बोर्ड भी आया निकल कर, ये देखो मापसा भोगेश्वर टेम्पल क्या नॉट सेलिंगो पता नहीं क्या आगे बीती, ये रहा टेम्पल का रास्ता। वाह यार ये गोवा भी अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में भी, असली में यहाँ घूमने मज़ा आ रहा है। वो टूरिस्ट वाली जो जगह है टीटो लेन वाला ना फलाना ठिकाना, वो उससे हट गया, मेरे को तो वैसे ही वो जगह पसंद नहीं, ऐसी जगह पसंद आती है ऑफ बीट। आ गई ये मापसा, बढ़िया यार, थोड़ा ये शहर टाइप है, मतलब गोवा से थोड़ी दूर शहर टाइप में, यहाँ पे सारा मार्केट एरिया है और लोकल लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे। ये देखो लक्ष्मी स्वीट्स, हर जैसे कोई शहर वाला सिटी वाला एरिया होता है ना वो है मापसा। तो अभी हम लेते हैं काजू वाजू, देखते हैं कहाँ मिलता है। 380 425, इसमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों का? क्वालिटी एक ही है। ओके ओनली डिफरेंस इन साइज, सीड साइज, स्मॉल साइज,
मीडियम साइज, ये दोनों का मिक्सचर इंडिया है। क्वालिटी सेम, साइज इज डिफरेंट। ओके, इसको अब खाना पड़ेगा तो छिलका उतारे खाना पड़ेगा। छिलका उतारे बिना भी खा सकते हैं, खा सकते हैं, ज़्यादा कड़ू लगे। अच्छा अच्छा, कड़वा लगेगा। ओके, वो मसाला है स्पाइसी चिली गार्लिक पेपर, पिस्ता आलमंड और वो सॉल्टेड है, काजू कतली भी है स्वीट में, काजू कतली। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करोगे मुझे घर लेके जाना है जो? हाँ, घर में क्या लेके जाऊँ आप जो रिकमेंड करेंगे घर के लिए? कितना चाहिए? अप्रोक्स 4-5 kg ले जाऊँगा जब घर के लिए लेके जाना। ये ले लो, ये ले जाना, ये ले लो, इसमें इसमें एक के जी ले लो उसमें। अच्छा हाँ, मिक्स ऑफ वैरायटी, ठीक है। इसमें एक के जी ले लो, ये तीनों में से एक के जी ले लो, कौन सा भी। ऐसा कर दो, ऐसा ही कर दो। वाला कितने रुपये के जी था? ये वाला कितने रुपए के जी? 900 रुपए के जी। के जी तो जो प्रिंटेड रेट है वही है। हाँ। सेम, कुछ डिस्काउंट नहीं होगा? हाफ के जी का पैकेट है 380 का, और ये थोड़ी और अच्छी क्वालिटी है 425 का, ये 465 का। वैरायटी ऑफ फ्लेवर भी आते हैं ना इसके साथ, चिली गार्लिक पेपर और स्पाइसेस। काजू कतली भी ले ली हमने, बिल्कुल अच्छी टेस्ट की, अंकल बता रहे हैं 250 ग्राम 250 रुपये की है। ये रही शॉप जाटिया, क्वालिटी काजू सिंस 1928। यहाँ से कर लिया हमने शॉपिंग, अब चलते हैं भैया वापस कॉलिंगवुड। तो भैया मेरे को मिले हैं रास्ते में, और दिखा दो ना उठा के, ये भैया सेल करते हैं पाव। ये एक पाव, ये एक ही तरीके के हैं? अच्छा, इसको क्या कहते हो आप? पोड़ी पाव। पोड़ी पाव, इसको तो लोग लेते हैं तो भैया निकलते रहते हैं पूरे में जाते हो आप मार्केट में। इसके प्राइस 10 रुपये होता है ना? 5 रुपीज़। अरे वाह, ये देखो कैसा होता है। तो इसको बहुत सारे लोग लेते हैं और भाजी के साथ खाते हैं। दो कर दिया? ये दो पेटीज मैंने ले ली, हमारे यहाँ पेटीज मिलती है आलू वाली। एक बार पेटीज दिखाना भैया, आलू की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग, यहाँ पे एग की स्टफिंग है। अभी खा के देखूँगा तो बताऊँगा। और क्या क्या देते हो? ये और ये बस। ये वैसे मैंने बहुत पहले एक बार मैंने देखा था कि गोवा में इस तरीके से ये जो पोई पोई मतलब पूड़ी, ये एक तरीके से जनरली ब्रेड होती है, जैसे हमारे वो मिलते हैं ना पाव, तो उस तरीके से जैसे हमारे यहाँ ब्रेड मिलती है पाव मिलता है तो उस तरीके से होता है। एक बार मैंने देखा था तो कभी मैंने सोचा था कभी गोवा जाऊँगा तो अगर ये मिल जाता तो खाऊँगा परचेज करके, कैसी लगेगी देखते हैं। तो आज मिल ही गया, और अनफॉर्चुनेटली पेटीज ही ले ली मैंने, क्योंकि वो जो पूड़ी या ब्रेड होती है वो उसके साथ खाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, और अभी मेरा गला भी सूख रहा है, ऑन द वे वापस जा रहा हूँ होटल रूम, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पेटीज ले ली। मैंने खा के देखेंगे कैसी लगेगी, तो अभी अभी होटल रूम में जाऊँगा, पानी पीता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताऊँगा खा के टेस्ट कैसा है इसका। ये फैनी ली हमने, ठीक है, और ये बिल्कुल प्योर वाला माल है जो वैसे निकलती है गोवा में लोकली, इसको लेके जाएंगे हम अपने घर। ऐसी ये दिखने में बॉटल, उसके रेट 500-600 होते हैं, वो अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से बार्गेनिंग करते हो, ठीक है। ऐसी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और ध्यान रखना जो ट्रांसपेरेंट फैनी होगी ना वही होती है ओरिजिनल चीज़। बाकी जब घर जाएंगे कभी टेस्ट वेस्ट करेंगे तब बताता हूँ आपको इसका रिव्यू भी कैसा रहेगा कैसे नहीं। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको लेना है आपको या तो स्प्राइट के साथ, लिमका के साथ, या कोई भी लेमन वाली चीज़ हो उसके साथ लेना है। डायरेक्ट नॉर्मल वाटर के साथ लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मुझे उन्होंने जिससे मैंने लिए उन अंकल ने मेरे को बताया, ठीक है जी। बाकी काजू वाजू मैंने सब आपको दिखाई दिया था, रूम में आ गए हैं, अभी थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है सीन। भाई वो पेटीज है एग वाली जो बीच में रास्ते में से ली थी, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। इसमें बॉइल्ड एग डाला हुआ है अंदर विद मसाला, ये हल्दी वल्दी नमक मिर्च वाला, और प्याज व्याज सब है इसमें। बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है भाई। 10 रुपीज़ में भाई से ज़्यादा क्या लोगे यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब, खत्म।